नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स ऐप पर। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे और बेसिक कैलकुलेशन के पूरे पार्ट को कंप्लीट करने के जस्ट बाद फिर हम लोग टॉप 575 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि बेसिक कैलकुलेशन में हमें देखना क्या है। तो बेसिक कैलकुलेशन में हमें जो देखना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं और आज हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में आपको जो देखना है, सबसे पहला जो देखना है पॉइंट, वो देखना है आपको स्क्वायर वर्ग। ठीक है, सबसे पहला आपको देखना है स्क्वायर वर्ग, दूसरा आपको देखना है क्यूब। बात पे ध्यान से देखना है, पहले क्या देखना है आपको, स्क्वायर देखना है, फिर क्यूब देखना है, और उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के जस्ट बाद फिर हम लोग चौथे नंबर पे देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक, स्क्वायर रूट, पांचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट सब देखने के बाद हम लोग छठे नंबर पर देखेंगे फ्रैक्शन, और सातवें नंबर पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो ये हम लोग सात पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, और इस सातों पार्ट के बाद हमारा बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में हम लोग स्क्वायर से शुरू करते हैं। ये सब हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टोटल 575 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहला सेशन देखेंगे किससे, स्क्वायर से। तो पेन पेपर लेकर के आप हमेशा बैठेंगे, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो भी मैं पढ़ाता जाऊं उसे आप नोट ज़रूर करते जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक ज़बरदस्त नोट बन जाएगा। हमारा जो वो 575 क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का होगा, उसमें सारा का सारा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा पहले ही। ठीक है, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैं आपको सारा का सारा सॉल्यूशन भी यहां से करवाऊंगा, तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे और आपको बड़ा आसान फील होगा। सिंप्लीफिकेशन जल्दी से हम लोग कैसे कर पाएंगे, 3 मिनट में आराम से आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में कुछ हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, और उस स्पेशल केस के बाद फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 2 डिजिट का और 3 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल केस में हम लोग आते हैं। देखिए, ध्यान से समझना आपको, सबसे पहला जो स्पेशल केस है, कोई भी संख्या है और उसके लास्ट में अगर 0 हो तो फिर हम लोग उसको कैसे स्क्वायर करते हैं। है बहुत ही छोटा पॉइंट, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझेंगे, बहुत ज़्यादा ये भारी नहीं है, सबको पता होगा ये। ठीक है, बट मैं जानबूझ करके इसके बारे में बता रहा हूँ। तो 20 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, 1600 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर अगर करना होगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, यानी 0 को छोड़ करके 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, और 0 को डबल करके लिख लेंगे 400। ठीक है, यहाँ पर 400 लिखा हुआ, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 0 को डबल करके लिख लेंगे, तो 0 क्या हो रहा है, हमेशा डबल हो रहा है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256, और 256 के बाद इस 0 को डबल करके लिखेंगे, अगर 2 0 है तो यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, अगर 3 0 है लास्ट में तो 6 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बोले कि 15000 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है आपको, 15 का स्क्वायर करना है 225, और 3 0 है तो 3 0 को डबल करके लिखेंगे। ठीक है, 3 0 को डबल करके लिखेंगे। देखिए, यहाँ से क्या एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि कभी भी लास्ट से 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट से अगर 0 होगा तो 0 कभी भी अगर काउंट करेंगे तो वो ऑड में नहीं आएगा, हमेशा इवन काउंटिंग होगा।
मतलब या तो दो जीरो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे अगर जीरो आ रहा है, या तो चार जीरो आएगा, या तो छः जीरो आएगा, या तो आठ जीरो आएगा, या तो दस जीरो आएगा, या तो बारह जीरो आएगा, एक जीरो, तीन जीरो, पाँच जीरो नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट था, इसे हमने बताया आपको। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट वन हो, वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट वन हो, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं? वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट वन हो, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, इसको समझना। और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, बड़ा प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स पहले से ही ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितना आसानी से ये बन जा रहा है। यहाँ पर आपको छः नंबर दिख रहा है, 21 का, 41 का, 61 का, 121 का, 221 का और 251 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या करना क्या है, करना क्या है इस बात पे आप गौर से देखेंगे कि करना क्या है। 20 एक 21 होता है, 20 प्लस एक 21 होता है, आपको करना क्या है, 20 का स्क्वायर करना है और उसमें एक बार 20 प्लस 21 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 441। देखिए 20 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 प्लस 20 मिलके 41, 441 आपका आंसर आ जाएगा। 41 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको करना क्या है, 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, 40 का स्क्वायर 40 एक 41 होता है, 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर 1600, 40 प्लस 41 मिलके हो जाता है 81, यानी 1681। 61 का स्क्वायर करना है तो 61 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा जो स्टेप हम लिख रहे हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे और माइंड में ही करने का कोशिश करेंगे। 61 का स्क्वायर करना है तो 60 का स्क्वायर 3600 होगा प्लस 60 प्लस 61 यानी 121, तो 3600 में अगर 121 को हम लोग ऐड करते हैं तो 3721 आ जाता है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, 60 का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61, तो ये दोनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के देखिए 3600 प्लस 60 प्लस 61, 60 प्लस 61 121 होगा, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 3721। ठीक है, 121 का अगर स्क्वायर करना है तो 120 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 120 प्लस 121 को ऐड कर देंगे, तो 120 का स्क्वायर 144100 हो जाएगा प्लस 120 प्लस 121 का मतलब हो जाएगा 241, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 14641 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 221 का अगर स्क्वायर करना है तो करना क्या है आपको, 220 का स्क्वायर प्लस 220 प्लस 221 करना है, तो 220 का स्क्वायर 484100 हो जाएगा प्लस, यहां पर आप गौर से देखेंगे तो 441 आएगा, तो 484100 यानी 48400 में 441 को ऐड करेंगे तो 48841 आएगा। ठीक है, 48841, समझ पा रहे क्या? 251 का अगर स्क्वायर करना है तो 250 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 250 प्लस 251 को ऐड करेंगे, तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा 625100 और 250 प्लस 251 यानी 501 हो जाएगा। 62500 में 501 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 63001 आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर एक है तो आप उसका स्क्वायर विद इन 3 सेकेंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तो हमने आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर एक होगा तो फिर हम लोग उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिट डिजिट 5 जिसका होगा उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 5-6 नंबर ले लेता हूँ, 25 का स्क्वायर करना है हमें, 35 का स्क्वायर करना है हमें, 65 का स्क्वायर करना है हमें, 95 का स्क्वायर करना है हमें, 125 का स्क्वायर करना है हमें, 155 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 नंबर हमने लिया है बोर्ड पर। अब इसका स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
25 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो करना क्या है कि 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, और उससे पहले 5 से पहले जो नंबर बचा, 5 से पहले क्या नंबर बच रहा, 2, 2 के सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 625। यहाँ पर तो आपको 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा। 35 का अगर स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर 3 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का सक्सेसिव नंबर 4 होता है और 3 को सक्सेसिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225। 65 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर आपको लिखना है 25 और 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से, 6 × 7 = 42। समझ पा रहे क्या? 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 × 10 90, 9025। 5 का 125 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको 5 का स्क्वायर 25 करना है और 12 को सक्सेसिव नंबर 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, मल्टीप्लीकेशन में बताऊंगा कि 12 को 13 से मल्टीप्लाई कैसे स्पीड में कर पाते हम लोग, या मैं इसके जस्ट बाद आपको बता देता हूं कि सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। यहां पर आप देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15625। 155 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 15 को फिर कर देंगे हम लोग 16 से मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा 240। ठीक है, समझ पा रहे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 24025। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिट डिजिट जिसका 5 होगा आप उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे, 2 से 3 सेकेंड लगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हमारा अभी तीसरा पॉइंट था, अभी चौथे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर जो 100 के आसपास रहे, कोई भी नंबर जो 100 के आसपास रहे, 200 के आसपास रहे, 300 के आसपास रहे, 400 के आसपास रहे, 500 के आसपास रहे, 1000 के आसपास रहे, आसपास रहे, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे जल्दी से कर पाएंगे, यानी हमें समझना है बेस मेथड। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्पेशल केस था कि यूनिट डिजिट स्क्वायर 1 हो, यूनिट डिजिट जिसका 1 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, और यूनिट डिजिट जिसका 5 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे हमें देखना क्या है कि बेस मेथड से हमें समझना है, बेस मेथड को हमें समझना है। ध्यान से समझिएगा, बेस मेथड होता क्या है, पहले हम लोग बेस मेथड को समझ लेते हैं, फिर जब बेस मेथड से आपका बहुत सारा नंबर का आप आराम से स्क्वायर कर पा रहे होंगे, बहुत स्पीड में कर पा रहे होंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे कर लेंगे जल्दी से और 3 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो बेस हमें लेकर के चलना क्या है, पहले आपको समझना है 100 का, फिर समझना है 1000 का। बात समझिएगा ध्यान से, पहले समझना है 100 का, फिर समझना है 1000 का, फिर समझना है 50 का, फिर समझना है 500 का, फिर समझना है 200, 300, 400, 600, 700 सब का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस चारों को हम लोग समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 100 के आसपास अगर कोई भी संख्या रहे, 100 के आसपास अगर कोई भी संख्या रहे तो उसका स्क्वायर क्या कैसे किया जाता है। अब हम लोग 100 के आसपास, कम से कम 100 के आसपास 100 से कुछ ऊपर संख्या होगा और 100 से कुछ नीचे संख्या होगा, इसको समझना है। ठीक है, जैसे मैं कुछ संख्या लेता हूँ, 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, ठीक है, 88 का स्क्वायर। बात समझिएगा, 3 संख्या हमने 100 से नीचे लिया और 3 संख्या मैं 100 से ज़्यादा ले रहा हूँ, 109 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिएगा कि किस स्पीड से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज़ है। 92 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग, 92 का अगर स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहला जो काम करना है आपको ये चेक करना है कि ये 100 से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो कितना कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना कम है, ये 8 कम है, 100 से 8 कम है। तो 100 से 8 कम है तो आपको 100 से 8 का डबल कम करना है। ठीक है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 8 कम है। अब आपको क्या करना है, 100 से 8 का डबल कम करना है, 16 कम कर देना है। तो 100 से 8 का डबल कम करते हैं 16, जैसे ही कम करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 84। और जितना कम है,
कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर इस पे चिपका देना, 8 8 64, तो ये आपका आंसर हो गया 8464। समझ पा रहे क्या? फिर से देखिए 94 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, 100 से आपको 12 कम करना पड़ेगा, तो 12 जैसे ही कम करेंगे तो 88 आ जाएगा, और जितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर आप यहां पर चिपका दें, 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे क्या? 88 8800 से कितना कम है, तो 8800 से 12 कम है, 100 से आपको 24 कम करना है, जितना कम रहेगा उसका डबल और कम कर दें, तो 88 12 कम है तो 24 कम करते हैं, 24 जैसे ही कम करते हैं तो 76 आ जाएगा, और जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, तो आपको 144 ऐसे नहीं लिखना है, 12 कम है 144 आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर 44 लिखना है, 144 तीन डिजिट का नंबर हो जाता है, तो लास्ट टू डिजिट यहां पर चिपकाना है और एक को आगे बढ़ा देना है, तो एक को आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7744। फिर से देखते हैं 109 इस बार 100 से 9 ज्यादा है, 109 100 से 9 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा उसका डबल ज्यादा करें, जितना कम रहेगा उसका डबल कम करें, जितना ज्यादा रहेगा उसका डबल ज्यादा करें, तो आपको करना क्या है, 118 लिखना है, 109 है तो 9 को और ऐड कर देते हैं, 118 आ जाता है, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, मतलब जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर यहां पर चिपका देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 118 81। ठीक है, 107 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 ज्यादा है तो 7 का डबल कर देंगे, यानी 114 हो जाएगा, अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो 114 49। 112 का स्क्वायर करना है तो 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो आपको लिखना है 124, क्या लिखना है 124, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 हमने क्या कहा, सिर्फ टू डिजिट यहाँ पर आपको लिखना है, तो 144 का 44 आप यहाँ लिखे और एक आगे ढकेल दें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 44। बताइए, तो है ना ये मज़ेदार, आपको समझ में आया या नहीं आया, परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप कुछ और भी नंबर लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं 1000 पे। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बता दूँ कि मैंने किया क्या है, उस स्टेप को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं एक स्टेप इसका बताता हूँ कि इसका मैंने क्या सब किया, और एक स्टेप मैं बड़े वाले का बताऊँगा कि इसका मैंने क्या सब किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जिसके बारे में आपको निकालना है वो पता करना है कि ये कम है या ज़्यादा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 100 से 8 कम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। तो पहला स्टेप में, स्टेप वन अगर मैं लिखूं, तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, 100 से जितना कम या ज़्यादा रहेगा उसका डबल कम या ज़्यादा करें, तो 100 से 8 का डबल कम कर दें, तो 100 में से अगर 16 को कम करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, 84 आ जाता है। ठीक है, 16 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84। ओके, दूसरा स्टेप हमें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा बेस से मल्टीप्लाई करने का है, किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमारा बेस क्या था, 100 था, तो बेस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8400, ये क्या आ जाएगा, 8400। और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 आ जाएगा, और लास्ट में हमें क्या करना है, आंसर लिखना है, तो दूसरा स्टेप वाला और तीसरा स्टेप वाला दोनों को ऐड करके लिखना है, तो 8400 + 64 हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8464। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, 109 से करना क्या है कि आपको चेक करना है, सबसे पहला काम करना है आपको चेक करना है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसका डबल ऐड कर देना है, यानी 9 का डबल 18 ऐड करेंगे, 118 आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है, तो 118 को अगर हम लोग बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो हमारा बेस 100 है ना, तो 118 100 आ जाएगा। और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जितना कम या ज़्यादा है, जैसे 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और फिर लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप दोनों को ऐड करके हम लोग को लिख देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 118 81। और यही स्टेप हम लोग सभी में लागू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बेस 100 बेस 1000। ठीक है, 1000 बेस लेकर के भी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप देखें। यहां पर मैं फिर से कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 992 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 988 का स्क्वायर करना है, 985 का स्क्वायर करना है,
998 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर मैंने चार नंबर लिया और चार नंबर मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, 1007 का स्क्वायर करना है, 1012 का स्क्वायर करना है, 1016 का स्क्वायर करना है, 1021 का स्क्वायर करना है या 22 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ हमने टोटल आठ नंबर लिया है और इस आठों नंबर को हम लोग तीन सेकेंड में कैसे स्क्वायर कर लेंगे ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, धैर्यपूर्वक देखेंगे तो आपको ये देखना है इस बार इसका बेस क्या है, 1000। तो 1000 से ये जो 992 है ये कम कितना है, तो 8 कम है। 1000 से 992 कम कितना है, 8 कम है, आपको फिर से डबल कम करना है, यानी 1000 में से 8 दूनी 16 कम करना है जो हो जाएगा आपका 984। समझ पा रहे हैं क्या, 1000 से 992 कम कितना है, 8 कम है, आपको करना क्या है 1000 में से 16 कम करना है तो आ जाएगा 984। यहाँ पर चूंकि 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ पर हमारा 3 प्लेस खाली रहेगा। अब जितना कम है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 8 कम है और 8 का स्क्वायर करते हैं 64, लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 डिजिट है, 3 डिजिट पे हमें ऐड करना है, तो 64 यहाँ पर ना ऐड होकर के 064 ऐसा आ जाएगा। तो ये आज का स्क्वायर हो चुका। मैं स्टेप भी बताऊंगा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, 988 1000 से 988 12 कम है, आपको 12 का डबल कम करना है 976। 1000 में से 12 कम है तो 1000 से 24 कम करना है और 1000 से 24 जो कम होगा तो वो हो जाएगा 976। और जितना कम है उसका स्क्वायर भी करना है, तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और यहाँ पर 3 डिजिट पे प्लेस खाली है तो ये 144 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 976144। 985 कितना कम है, 15 कम है, 30 कम करना है यानी 970। 985 1000 से 15 कम है, हमें कम क्या करना है, डबल कम करना है यानी 30 कम करना है, 970 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ चिपक जाएगा, आंसर आ जाएगा। 998 1000 से 2 कम है, 998 1000 से 2 कम है, हमें 998 जो 1000 से 2 कम है हमें करना है अब 1000 से 4 कम, तो 1000 से 4 कम करेंगे तो 996 आएगा, जबकि ये जो 2 कम है उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, जबकि हमारे पास प्लेस कितना है 3 प्लेस, तो 4 4 को अगर यहाँ पर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 004 ना कि 400, फिर तो वो 400 हो जाएगा और 004 तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99,996,004। समझ पा रहे क्या, अब हम लोग देखते हैं 1000 से ऊपर वाले संख्या का कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 1007 है, 1014 करना है आपको, 1014 जितना ज्यादा रहेगा उसका डबल ऐड कर देना है 1014, और फिर 7 का स्क्वायर 49, चूंकि यह 1000 है और यहां पर हमारे पास 3 प्लेस खाली है तो 49 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 049, और ये हमारा आंसर हो गया। 1012 है तो आपको क्या लिखना है, 1024 लिखना है, 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 और 12 का स्क्वायर 144 होता, 3 प्लेस खाली है हमारा, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे क्या, 1016 है, 1016 को आपको लिखना है 1032 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा आंसर। 1022 है, 22 एक्स्ट्रा है तो आपको लिखना है 1044 और 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है जो हमारा तीनों प्लेस पर एडजस्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ भी हमने वही रूल अप्लाई किया जो हमने 100 वाले में अप्लाई किया था। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मैं आपको एक बार स्टेप समझा दूँ, इसका स्टेप और फिर बड़े वाले का स्टेप, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन का स्टेप आपको मैं समझा देता हूँ तो फिर आपको कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगा और कोई भी संख्या को हम लोग बेस मेथड से आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको सबसे पहले करना क्या है, चेक करना है कि ये 992 1000 से कितना कम है, तो 1000 से 8 कम है 992, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको करना क्या है, पहला स्टेप में आपको करना है कि 1000 से 8 का डबल कम करना है, 8 का डबल यानी 16 तो आपका आ जाएगा 984। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको करना है 984 को बेस से मल्टीप्लाई, बेस से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस बार तो बेस हमारा 1000 है, तो 984 पे 3 जीरो आ जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। और स्टेप तीन में आपको क्या करना है कि जितना कम या ज़्यादा रहता है उसका भी स्क्वायर करना होता है, तो माइनस 8 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा
तो 984,000 प्लस 64, तो 984,000 प्लस 64, 984,064 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग इतना सारा स्टेप करते हैं, 3 से 4 स्टेप करते हैं, ये सारा हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर चुके होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 1007 का भी हम लोगों ने स्क्वायर कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि 1000 से यह ज़्यादा कितना है, तो ये आ जाएगा 1007। 1000 से 7 ज़्यादा है 1007। पहला स्टेप में आपको करना क्या है, पहला स्टेप में आपको करना है 1000 प्लस 7 का डबल करते हैं 14, तो 1014 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखें कि दूसरे स्टेप में बेस से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1014 को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1014,000 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना होगा, जितना ज़्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर करना होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और लास्ट में हम लोग आंसर लिख देते हैं दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप दोनों को ऐड करके। तो 1014 49 को ऐड करेंगे तो 049, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि 100 के आसपास, 1000 के आसपास पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि अगर लास्ट में जीरो हो तो फिर उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने आज आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट एक हो तो फिर उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ाया आपको कि